ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। फिर से आपको वापस ले चलते हैं प्रदर्शन की ओर, जहां भारत बंद चल रहा है और सभी पार्टियां कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पुलिस किस तरह प्रदर्शनकारियों को उठाकर ले जा रही है और प्रदर्शन जहां जहां हिंसक रूप लेगा वहां वहां पुलिस को इस तरह की कार्रवाई करनी होगी। आप देख सकते हैं कि यूं तो कांग्रेस पार्टी ने ये क्लेम किया था कि ये प्रदर्शन जो होगा वो हिंसा मुक्त होगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो आक्रोश है वो साफ तौर पर दिख रहा है। जहां जहां ये आक्रोश देखने को मिलेगा वहां वहां पुलिस को इस तरीके की कार्रवाई करनी पड़ेगी और बीच बचाव में पुलिस जहां सामने आई है लोगों को पुलिस को ले जाना पड़ा है। विरोध प्रदर्शन देश के हर हिस्से में देखने को मिल रहा है, जहां सरकार ने जहां पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ा दिया है और ऐसी कई चीज़ों पर लोग जो हैं वो भाजपा सरकार के विरोध में खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के जो समर्थक हैं, इसके अलावा अन्य पार्टी के जो समर्थक हैं, इस पूरी खबर पर और विस्तार से चर्चा करने के लिए दिल्ली से हमारे साथ विप्लव अवस्थी जुड़ रहे हैं। विप्लव, आपसे जानना चाहेंगे कि माहौल क्या है दिल्ली में और पूरे प्रदर्शन के दौरान लोग किस तरह से सामने आ रहे हैं, अपनी बातें किस तरह से सरकार के सामने रख रहे हैं? देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस समेत 21 से जो विपक्षी दल हैं, जैसा कि कांग्रेस की तरफ से दावा भी किया गया है कि करीब 21 विपक्षी दल हैं, उन्होंने ये ज्वाइंट भारत बंद का आह्वान किया है। हालांकि सीपीआई और सीपीएम की तरफ से जो कॉल दी गई है वो 12 घंटे की दी गई है, जबकि कांग्रेस की तरफ से 9 घंटे की ये कॉल है, सुबह 9 बजे से शुरू होकर 6 बजे तक है। 12 घंटे की कॉल सीपीआई और सीपीएम की तरफ से दी गई है, जो लेफ्ट पार्टी। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह पेट्रोल प्राइस हाइक हो रही है और कांग्रेस का बेहद बड़ा आरोप ये है कि जीएसटी के अगर दायरे में अगर इस पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को लाया जाता तो कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस की गिरावट होती और आम आदमी को इसका लाभ मिलता। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तरफ से लगातार ये तर्क दिया जा रहा है, जैसा कि आप पिछले कई दिनों से ट्रेंड देख रहे हैं कि लगातार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सरकार की तरफ से यही ट्रेंड दिया जा रहा है कि विश्व स्तर पर जिस तरह ओपेक कंट्रीज में पेट्रोलिंग का जो पेट्रोल और डीजल की उत्पादन है वो घटा है, जिसके कारण भारत में उसकी सप्लाई भी कम हुई है, इसके साथ ही जो रुपया है वो निश्चित रूप से गिरा है और ये तमाम केवल भारत ही नहीं तमाम एशियन कंट्री और तमाम यूरोप के कंट्रियों की दावा किया गया है कि डॉलर के मुकाबले उनके जो उनका मुद्रा है उसमें गिरावट है, तो इसके कारण तमाम पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस पे इफेक्ट है। फिलहाल अगर इस भारत बंद की बात करें तो तमाम राज्यों के कांग्रेस के और तमाम विपक्षी दल यहां पर इकट्ठा हुए सुबह, जैसा कि आपने देखा भी और विजुअल्स भी आ गए कि राहुल गांधी वहां पर गए राजघाट और वहां पर उन्होंने वहां पर बापू जी को नमन करने के बाद ही राजघाट के बाद वो रामलीला मैदान पहुंचे और रामलीला मैदान से ही ये पूरे प्रोटेस्ट की पूरी तैयारियां हैं और जिस पर कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरने के लिए तमाम हमले कर सकती है। महंगाई को लेकर, राफेल डील को लेकर जो लगातार कांग्रेस लगातार जो मुद्दा उठा रही है, तो सरकार को एक विपक्ष की एक बड़ी ललकार है और सीधे तौर पर कहा जाए तो 2019 के चुनाव के पहले की ये सब जद्दोजहद हो रही है। 2019 के चुनाव के पहले पहले हर राजनीतिक दल अपने आप को जनता के बीच जनता के साथ ले जाना चाहता है और इसीलिए पेट्रोल और डीजल प्राइस चूंकि निश्चित रूप से हर आदमी को इफेक्ट करने वाला है, जैसा कि माना भी जाता है कि डीजल के प्राइसेस बढ़ने से कहीं खेती किसानी में बेहद बड़ा असर पड़ता है, किसानों के लिए खासकर एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो विपक्षी दलों का निश्चित रूप से यही मानना है कि कम से कम इस मुद्दे को उठाकर वो जनता के बीच जा सके। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विप्लव।